हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थर्ड फेज का एंड हो चुका है और हाल ही में होने वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हमें ये चीज भी समझ में आने लगी है कि मार्वल अपने फेज 4 में क्या करने वाले हैं। हालांकि ये बात हम पहले से ही जानते थे कि वो लोग एक इटर्नल मूवीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में मार्वल स्टूडियोज ने इस चीज को कंफर्म भी किया जब उन्होंने इसी कॉमिक कॉन में इसकी कास्ट को रिवील किया। और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये काफी बड़ा रिस्क भी है, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ऐसे काम पहले भी कर चुके हैं जब उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नाम के छोटे से ग्रुप को लेकर उस पर मूवी सीरीज बना दी। और इतना ही नहीं, ये सीरीज काफी फेमस भी हुई। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इटर्नल्स आखिरकार हैं कौन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैक कर्बी को तो हम सभी लोग जानते हैं, और जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं मैं उन सभी को बता देता हूं कि जिस तरह से स्टैनली को हम लोग मार्वल कॉमिक्स का फादर कह सकते हैं, तो अगर एक तरह से देखा जाए तो जैक कर्बी भी स्टैनली से कम नहीं है। और अगर आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने कौन से कैरेक्टर्स को क्रिएट किया है तो मैं आप सभी को बता देता हूं, कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैक कर्बी दरअसल में मार्वल कॉमिक्स के कई सारे कैरेक्टर्स को फाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन 1970 में उन्हें ये चीज रियलाइज हुई कि जितने भी कैरेक्टर्स उन्होंने को फाउंड किए हैं उनके लिए उन्हें प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल रहा, और इसी वजह से वो मार्वल को छोड़कर डीसी में मूव कर गए। तो अब डीसी में पहुंचने के बाद उन्होंने डीसी कॉमिक्स में अपनी जर्नी की शुरुआत द फोर्थ वर्ल्ड सागा से, जो एक काफी फेमस ग्राफिक नॉवल थी, और इसमें उन्होंने न्यू गॉड्स के कंसेप्ट को रिवील किया। और इसी सीरीज में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डार्क साइड, मिस्टर मिरेकल और स्टेपनवुल्फ जैसे डीसी कैरेक्टर्स को। और जब 1976 में जैक मार्वल कॉमिक्स में वापस लौट कर आए तो अपने साथ वो जितना भी फोर्थ वर्ल्ड बुक्स पे उन्होंने काम किया था उसे वापस लेकर आए। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इटर्नल्स कई मायनों में डीसी के न्यू गॉड्स जैसे हैं, जो अपने खुद के डार्क रिफ्लेक्शंस यानी कि सेलेस्टियल से लड़ते रहते हैं। तो इटर्नल्स में कर्बी ने ये चीज एक्सप्लेन करी कि आज से कई लाखों साल पहले मार्वल यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था। उन्होंने बताया कि आज से कई लाखों साल पहले सेलेस्टियल नाम के कॉस्मिक बीइंग्स अर्थ पर आते हैं और यहाँ की ह्यूमन पॉपुलेशन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और यही कारण है कि मार्वल यूनिवर्स में इंसान एप से इवॉल्व हुआ है, क्योंकि ऐसा करने में सेलेस्टियल्स का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जिस तरह से हर एक्सपेरिमेंट में होता है, सेलेस्टियल्स का एक्सपेरिमेंट पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले उनसे क्रिएट हुए टीवियंट्स नाम के कुछ अजीब से क्रिएचर्स, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो हर एक क्रिएचर अलग स्पीशीज को बिलोंग करता हो। और इसी एक्सपेरिमेंट में क्रिएट हुए होमो इमोर्टालिस, और इन सभी को हम लोग इटर्नल्स के नाम से जानते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो भी एक्सपेरिमेंट सेलेस्टियल्स कर रहे थे, इनके विनर्स थे द इटर्नल्स। इनके पास एक बहुत अच्छी बॉडी है, इनके बाल कभी नहीं खराब होते, और इनके पास कॉस्मिक पावर्स भी हैं। और अगर आप सभी लोग थोड़ा बहुत भी अंदाजा लगाना चाहते हैं कि इनकी पावर्स का लेवल क्या है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके किसी भी यूनिवर्स के मॉलिक्यूल तक को रीशेप कर सकते हैं। और इसके अलावा इनके पास उड़ने वाली पावर्स, टेलीपैथी, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और ऐसी छोटी मोटी पावर्स हैं। और जैसा कि आप सभी लोग इनके नाम से समझ सकते हैं तो इटर्नल्स इमॉर्टल भी हैं। हालांकि ये क्वालिटी इनके साथ जन्म से नहीं थी, और इन्हें ये मिली है अपने एक एक्सपेरिमेंट की वजह से, जो इनके प्लैनेट टाइटनॉस पे हुआ था और ये काफी बुरी तरह से फेल हो गया। पता नहीं ऐसे एक्सपेरिमेंट फेलियर हमारे साथ क्यों नहीं होते। और इसके बाद से इटर्नल्स हमारे ही बीच रहते आए हैं। उन्होंने माउंटेन्स के ऊपर अपने सुपर सीक्रेट बेसिस बना रखे हैं, और कभी कभार वो ह्यूमंस के साथ मिलने आ जाते हैं। और इसी आइडिया को जैक कर्बी ने काफी अच्छी तरह से ह्यूमन की मिथोलॉजी में मिक्स भी कर दिया, और ये चीज बताने की कोशिश करी कि जिन ग्रीक गॉड्स को हम लोग जानते हैं, इटर्नल्स भी ठीक उसी तरह के गॉड्स हैं, जैसे कि मर्क्यूरी बना मकारी और ज्यूस बना सूरस। तो अब इस आने वाली मूवी में तीन इटर्नल्स ऐसे हैं जो काफी मेन रोल प्ले करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला है इकारिस। और मैं अगर आप सभी को सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इकारिस दरअसल में ऐसा इटर्नल है जिसे आप सभी लोग मार्वल के कैप्टन अमेरिका या फिर डीसी के सुपरमैन से कंपेयर कर सकते हैं। और इसकी सिमिलैरिटी सुपरमैन से तो काफी मिलती जुलती है, क्योंकि सुपरमैन की तरह ही ब्लू, रेड और येलो कॉस्ट्यूम पहनता है, और हीट बीम इसकी सबसे मेन पावर्स में से एक है। और हाँ, एक चीज और, अगर पावर्स की बात करें तो सारे के सारे इटर्नल्स के पास लगभग एक ही तरह की पावर्स हैं। हालांकि इस चीज को आने वाले टाइम में चेंज कर दिया गया, पर जब इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था तब सारे के सारे इटर्नल्स के पास लगभग एक ही तरह की पावर्स थी। और यूनिटी का कंसेप्ट इटर्नल्स में काफी फेमस है, इतना ज्यादा कि अगर ये सभी लोग एक ग्रुप में आ जाते हैं तो अपनी कॉन्शियसनेस को ज्वाइन करके ये क्यूनिमाइंड को बना सकते हैं। इसके बाद आता है मकारी। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो मकारी दरअसल में मार्वल यूनिवर्स का फ्लैश या फिर क्विक सिल्वर है, क्योंकि इसकी पावर्स उन दोनों की ही तरह तेज दौड़ने की हैं। हालांकि शुरू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और मार्वल कॉमिक्स में जब इटर्नल्स को इंट्रोड्यूस किया गया तब मकारी एक इंजीनियर था, लेकिन जैसे जैसे टाइम और कॉमिक्स इवॉल्व होते गए वैसे वैसे मकारी को नया स्टाइल और नई पावर्स दे दी गई, और अभी इटर्नल्स का स्पीडस्टर है। और इन दोनों के बाद जो तीसरा कैरेक्टर आता है उसका नाम है सर्सी,
जी हाँ, इटर्नल्स के पास अपनी खुद की एक सर्सी है और ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाली सर्सी से बिल्कुल अलग है। और अगर सर्सी की पावर्स की बात करें तो ये दरअसल में इटर्नल्स की मैजिशियन है। हालांकि पुरानी कॉमिक्स में सर्सी का कैरेक्टर काफी अलग हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट कॉमिक्स में ये बिल्कुल अलग है। अब सर्सी एक पार्टी एनिमल है और जहाँ पर सारे के सारे इटर्नल्स अपने पहाड़ में और अपने घर में रहना पसंद करते हैं, वहीं पर सर्सी बार बार ह्यूमंस के बीच में आती है और अपनी लाइफ को फन तरीके से जीती है। ये किसी भी चीज से बहुत ही जल्दी बोर हो जाती है और मार्वल कॉमिक्स में सर्सी ने जितने कारनामे किए हैं उतने शायद ही किसी इटर्नल ने किए हों। ये टाइम ट्रैवल कर चुकी है, इनके अल्टरनेट यूनिवर्स में कई सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं और इसके साथ ही साथ इन्होंने मार्वल यूनिवर्स को इस तरह से चेंज किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। बस आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इटर्नल्स ग्रुप की सिर्फ एकमात्र ऐसी मेंबर है जो एवेंजर्स टीम का पार्ट रह चुकी है। तो पहले तो ये माना जा रहा था कि सर्सी का कैरेक्टर प्ले करेंगी दरअसल में एंजेलिना जोली, लेकिन मूवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एंजेलिना जोली जिस इटर्नल का रोल प्ले करने वाली है उसका नाम है थेना। जी हाँ, अगर आप सभी लोग ग्रीक माइथोलॉजी से थोड़ा भी फेमिलियर है तो ये नाम अथीना से काफी मिलता जुलता है। और इतना ही नहीं, ये इटर्नल सूरज की बेटी भी है। तो जिस तरह से ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूस की बेटी अथीना है, वैसे ही यहाँ पर सूरज की बेटी थीना है। ये एक बहुत ही लेजेंडरी और फॉर्मिडेबल वॉरियर है और इसके साथ ही साथ ये काफी पढ़ी लिखी स्कॉलर भी है। इसके बाद आता है एजैक। वैसे तो मार्वल कॉमिक्स में एजैक एक मेल कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर उसे प्ले करने वाली है सलमा हायेक। और कॉमिक बुक्स में एजैक दरअसल में गॉड ऑफ फ्लाइट माना जाता है, जो पिछले कई सालों से सेंट्रल अमेरिका में रहता था और वहां के लोग इसे गॉड ऑफ फ्लाइट के नाम से पूछते थे। तो मूवी में इसके साथ क्या करने वाले हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर एक मेल सुपर हीरो के रोल में अगर एक फीमेल एक्टर को कास्ट किया है तो मार्वल स्टूडियोज डेफिनेटली कुछ सोच रहे होंगे। और इनके बाद आता है फैस्टॉस। तो फैस्टॉस के बारे में मार्वल कॉमिक्स में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इसका नाम और काम दोनों ही ग्रीक गॉड हेपास्टस से काफी मिलते जुलते हैं, क्योंकि फैस्टस दरअसल में इटर्नल्स के सारे डिवाइसेस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस मूवी में इसका रोल प्ले करने वाले हैं ब्रायन टायरी, जिनकी आवाज को हम लोग माइल्स मोरालेस के फादर के रूप में स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में पहले भी सुन चुके हैं। इसके बाद आता है किंगो। तो कॉमिक बुक्स में किंगो दरअसल में एक ऐसा इटर्नल है जो एक मास्टर समुराय और स्वॉर्ड्समैन है, लेकिन किंगो ने अपनी स्किल्स का काफी स्मार्टली इस्तेमाल किया है और अपनी स्किल्स के कारण ही वो हॉलीवुड में काफी फेमस एक्टर और प्रोड्यूसर बन चुका है। अब इस मूवी में इस रोल को प्ले करेंगे कुमेल नंजैनी। और जो लोग इन्हें नहीं जानते हैं, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कुमेल दरअसल में हॉलीवुड के एक काफी फेमस कॉमेडियन है। तो आई होप कि किंगो के कैरेक्टर में हमें काफी कॉमेडी देखने को मिलेगी। इसके बाद आते हैं गिलगमेश। तो गिलगमेश के बारे में भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस हम लोग इतना जानते हैं कि गिलगमेश दरअसल में इटर्नल्स का फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है और इसका रोल प्ले करने वाले हैं फेमस साउथ कोरियन एक्टर डॉन ली। और कॉमिक कॉन में उन्होंने ये भी कहा कि वो गिलगमेश की पावर्स हम सभी को दिखाने के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते। तो अब इसका क्या मतलब हो सकता है ये तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए। और इन सब के एंड में आता है स्प्राइट। तो वैसे तो स्प्राइट एक यंग टीनेजर नजर आता है, लेकिन ये दरअसल में कई हजारों साल पुराना इटर्नल है जिसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी उम्र नहीं बढ़ सकती। और इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर वो कई सारी ट्रिक्स को प्ले करता है और इसका अंजाम भुगतना पड़ता है बाकी के इटर्नल्स को। तो गाइज, ये थे वो सारे इटर्नल्स जो हम लोग इस मूवी में देखने वाले हैं। और जहां तक है, इसके विलन्स भी सेलेस्टियल्स होने वाले हैं। अब एमसीयू वाले किस तरह से इटर्नल्स को यूज करते हैं और अपने फेस 4 को शुरू करते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आई होप कि जिस तरह से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक बहुत ही फेमस सीरीज बनी है, ठीक उसी तरह इटर्नल्स को भी हम सभी लोग एंजॉय करें। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग इस यूनिवर्स में नए हो तो प्लीज कॉमिक वर्स को सब्सक्राइब करके इस चैनल और इस यूनिवर्स का पार्ट बनिए। और जाने से पहले मुझे ये चीज बताना मत भूलिएगा कि आप सभी का इटर्नल्स मूवी के बारे में क्या ख्याल है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज की बीइंग ऑसम।